अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। घरेलू बाजार में कपास की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना है। जानकारों का कहना है कि अल्पावधि यानी कि 1 से 2 महीने में सामान्य कपास की कीमत 40,000 रुपये प्रति गांठ के निचले स्तर पर आ सकती है, जबकि अभी रेट 44,500 रुपये के आसपास है, यानी 4,500 रुपये प्रति गांठ की गिरावट हो सकती है। वहीं ओरिगो ई मंडी के सहायक महाप्रबंधक के मुताबिक अगले 1 से 2 महीने में बाजार भाव और वायदा बाजार दोनों ही 40,000 रुपए के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। उनका कहना है कि कपास का विदेशी बाजार भाव भी 131.5 सेंट प्रति पाउंड के स्तर पर गिर सकता है। दूसरी ओर वर्तमान में शंकर 6 कपास की कीमत लगभग 96,000 रुपए प्रति कैंडी कारोबार कर रही है, जो जनवरी 2021 की तुलना में 108% से अधिक की वृद्धि है। जनवरी 2021 में शंकर 6 कपास की कीमत बता दें 46,000 रुपए प्रति कैंडी थी, लेकिन कीमत 1,00,000 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे है। आपको बता दें कि शंकर 6 कपास के निर्यात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। वहीं 17 मई को 50,330 रुपए प्रति गठरी की रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर कॉटन जून फ्यूचर्स में करीब 12.2% की गिरावट आई है और फिलहाल ये 44,190 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वैश्विक विकास चिंताओं के कारण कपास की कीमतों पर बिकवाली का दबाव, सरकार द्वारा शुल्क मुक्त कपास आयात नीति की घोषणा के बाद आयात में वृद्धि, सामान्य मॉनसून का पूर्वानुमान और फसल वर्ष 2022-23 में कपास के रकबे में अपेक्षित वृद्धि है। वहीं बता दें कि एरिगो के महाप्रबंधक का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार में मंदी के संकेत हैं। मांग की चिंताओं के कारण कीमतों में सुधार देखा गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी को लेकर चिंता के साथ साथ शुरुआती संकेत भी हैं। ऐसे में अगर मंदी आती है तो औद्योगिक जीन्सों की कीमतों में गिरावट आ सकती है और ऐसे में कपास में भी गिरावट आ सकती है। अमेरिका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हाल ही में हुई बारिश को तथाकथित राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अक्सर देखा गया है कि वेस्ट टेक्सास में बारिश के संकेत मात्र से बाजार फिर से करेक्शन मोड पर चल रहा है। वहीं एरिगो ई मंडी के सहायक महाप्रबंधक के मुताबिक भारतीय व्यापारियों और मिलों ने ड्यूटी हटाकर 5,00,000 गांठ कपास विदेशों से खरीदा है। वहीं 2021-22 के लिए कुल आयात अब 8,00,000 गांठ हो गया है। 2021-22 के लिए कुल आयात 1.6 मिलियन गांठ होगा और सितंबर के अंत तक ये 8,00,000 गांठ का संभावित आयात होगा। वहीं कपास का अधिकांश आयात अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीकी देशों से हुआ है। वहीं बता दें कि भारत आमतौर पर अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से 5,00,000 से 6,00,000 गांठ अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास का आयात करता है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर उत्पादित नहीं होता है। भारत संक्रमण मुक्त कपास की 5,00,000 से 7,00,000 गांठ की आयात करता है। वहीं फसल वर्ष 2021-22 में मई 2022 तक लगभग 3.7 से 3.8 मिलियन गांठ कपास का निर्यात किया गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 5.8 मिलियन गांठ का निर्यात किया गया था। कपास की ऊंची कीमतों ने निर्यात को आर्थिक रूप से
अव्यावहारिक बना दिया है। वहीं भारत का कपास निर्यात इस साल 4.0 से 4.2 मिलियन गांठ तक सीमित हो सकता है, जबकि 2020-21 में 7.5 मिलियन गांठ था। वहीं भारत में कपास की बुआई 2022-23 में सालाना आधार पर 5-10% बढ़कर 126 से 132 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में यह 1.22 मिलियन हेक्टेयर थी। भारत में सामान्य मॉनसून के उच्च रिटर्न और पूर्व अनुमान को देखते हुए कपास 2022-23 के लिए आकर्षक फसलों में से एक है, लेकिन कपास की खेती का क्षेत्र अन्य फसलों की तुलना में उच्च श्रम लागत के कारण सीमित होगा। वहीं देश भर में कपास की बुआई बढ़ने की संभावना के बावजूद महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती में थोड़ी गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र में किसान सोयाबीन और दालों की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि वे कम अवधि की फसलें हैं, जबकि गुजरात में किसान मूंगफली की खेती की ओर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।